क्या आपने कभी उड़ने वाले सांपों को देखा है? इन सांपों से आपका वास्ता ना भी पड़ा हो तो आपने YouTube वीडियो, डिस्कवरी चैनल या फिर फिल्मों में उड़ने वाले सांपों को जरूर देखा होगा। लेकिन आज हम आपको उड़ने वाले सांप या फिर जिस तक्षक नाग जिसे कहा जाता है के साक्षात दर्शन करवाएंगे। दरअसल ये दुर्लभ सांप बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक घर में पहुंच गया। उड़ने वाले इस दुर्लभ सांप को देखने के लिए घर वाले डरे, लेकिन सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू किया। माना जा रहा है कि यह सांप करीब 900 साल पुराना है। उड़ने वाले नाग ने कर दिया हैरान परेशान। तक्षक ने पुख्ता कर दिए कलयुग के प्रमाण। भगवान शिव से क्या है तक्षक का रिश्ता? आज खुलेगा 900 साल के तक्षक का रहस्य। तक्षक नाग, ये नाम आपने महाभारत और भागवत कथाओं में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उसी महाभारत काल के तक्षक के दर्शन करवाएंगे, वो भी साक्षात। पेड़ की डालियों से लिपटे ये हैं तक्षक नाग, सांपों की वो दुर्लभ प्रजाति जो इस जंगल में यदा कदा ही दिखती है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकल कर ये तक्षक नाग रिहायशी इलाके में पहुंच गए। मामला टंकी बाजार स्थित संजय पटेल के घर का है, जहां ये तक्षक नाग घर के दरवाजे की कुंडी से लिपटा हुआ मिला। दुर्लभ प्रजाति के नाग को देखकर परिवार के सदस्य डर गए और तुरंत वन विभाग को सूचित किए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शुरू हुआ तक्षक का रेस्क्यू। तक्षक को जैसे ही रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ा गया, ये पेड़ों की टहनियों पर जा बैठा। तक्षक सांपों की यही खासियत है कि ये पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़कर पहुंच जाते हैं, या यूं कहें कि छलांग लगाकर पहुंचते हैं। तक्षक नाग को उड़ने वाला सांप भी कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक ये उड़ने वाले सांपों की सबसे छोटी प्रजाति है। इसकी लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। काले रंग के इस सांप पर हरी धारियां होती हैं। ये सांप पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ते हैं और कई बार उड़कर जमीन और दीवारों पर भी आ जाते हैं। ये सांप उड़ने के लिए खास तरीके से हिलते हुए हवा में तैरते हैं और हवा में अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस का आकार बनाते हैं। इन सांपों के शरीर का पीछे का हिस्सा एक तरह के ऊपर नीचे होने वाली मुड़ने की गतिविधि करता है। शरीर को फेंकने की यही गतिविधि उसे उड़ने वाला सांप बना देती है। इसी कारण से उन्हें ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। तक्षक नाग की भारत में पौराणिक मान्यता भी है। इसका जिक्र महाभारत काल में मिलता है। तक्षक का जिक्र महाभारत ग्रंथ में है। तक्षक को भगवान शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी का छोटा भाई माना जाता है। महाभारत काल में जब पांडवों के पौत्र परीक्षित राज कर रहे थे, तब तक्षक ने ही उनको डसा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हम लोगों ने तो रेस्क्यू वैसे सांपों का बहुत किया है, लेकिन आज हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक ऐसा सांप का रेस्क्यू हम लोगों ने किया है, जिसको मतलब देखने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो सांप देखने में इतना सुंदर है, कोई भी देखेगा तो उसके तरफ मनमोहित हो जाएगा। तक्षक सांप आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इस प्रजाति का मिलना पर्यावरण के लिए सकारात्मक संकेत है। इस दुर्लभ वन्य जीव को देखकर टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि आखिरी बार इन्हें 1 साल पहले देखा गया था। एक बार फिर इन्हें स्पॉट किया गया, जिसके बाद इन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारी इनके मूवमेंट को फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये फ्लाइंग स्नेक, उड़ने वाला सांप या जिसे तक्षक कहा जाता है, वो घर में घुसा, लेकिन वन विभाग की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया। तो उड़ने वाला ये सांप देखिए, वन विभाग ने इसका रेस्क्यू कर लिया है, घर से बरामद किया गया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई।